Anurag Kashyap. I when I see him bearing the flag of women liberations, talking about women patriarchy, I understand what a fucking hypocrite he is. I went to meet him, and the next day when he took me to the other room, he just opened his zip and tried to force his. दोस्तों पायल घोष नाम की अभिनेत्री ने डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। अनुराग कश्यप ने उन सारे आरोपों को एक सिरे से खारिज कर दिया है। आइए दोस्तों जानते हैं आखिरकार पायल घोष है कौन। पायल घोष एक्ट्रेस है जिन्होंने साउथ और हिंदी फिल्मों में काम किया है। उन्होंने साल 2017 में ऋषि कपूर की फिल्म पटेल की पंजाबी शादी से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। उस फिल्म में परेश रावल भी थे। कोलकाता के रहने वाली पायल ने वहीं के सेंट पॉल्स मिशन स्कूल से पढ़ाई की है। वहीं कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में ग्रेजुएशन की है। वे फिलहाल मुंबई में रह रही है। 17 साल की उम्र में पायल घोष ने बीबीसी की टेलीफिल्म शार्प्स पर्ल में काम किया था। वे इस फिल्म के ऑडिशन के लिए एक दोस्त के साथ गई थी और सेलेक्ट हो गई। अंग्रेजी सोल्जर रिचर्ड शार्प पर बनी इस फिल्म में पायल ने बंगाल के एक स्वतंत्रता सेनानी की बेटी का किरदार निभाया था जो गांव में रहती थी। पायल ने एक कनेडियन फिल्म में भी काम किया था जिसमें वे एक स्कूल की लड़की बनी थी। इस लड़की को अपने पड़ोसी के नौकर से प्यार हो जाता है। पायल के माता पिता नहीं चाहते थे कि वे एक्टिंग करे। इसके लिए अपनी कॉलेज की छुट्टियों में वो कोलकाता से मुंबई भाग आई थी। इसके बाद उन्होंने मुंबई की फेमस किशोर एक्टिंग एकेडमी को ज्वाइन किया। वहीं उनकी मुलाकात चंद्रशेखर येलेति से हुई जिन्होंने पायल को तेलुगु फिल्म प्रयाणम में काम दिया। इस फिल्म में उनके साथ मंचू मनोज ने भी काम किया था। बाद में पायल घोष ने ओजरावेली और मिस्टर रास्कल जैसी तेलुगु फिल्मों में काम किया। इसके अलावा उन्होंने वर्षाधारी नाम के कन्नड़ फिल्म में भी काम किया था। साल 2020 में विवेक अग्निहोत्री ने पायल को अपनी फिल्म फ्रीडम में रोल दिया था। ये फिल्म शूट हुई लेकिन कभी रिलीज नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने कॉमेडी फिल्म पटेल की पंजाबी शादी में काम किया। इस फिल्म में उनके हीरो वीरदास थे। डायरेक्टर संजय छेद की ये फिल्म 15 सितंबर 2017 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसमें परेश रावल, ऋषि कपूर और प्रेम चोपड़ा ने काम किया था। इस फिल्म को उतना खास पसंद नहीं किया गया और ये बॉक्स ऑफिस पर कमाई भी नहीं कर पाई थी। फिल्मों के अलावा पायल घोष ने टीवी सीरियल साथ निभाना साथिया में भी काम किया हुआ है। उन्होंने राधिका का किरदार निभाया था। बता दें कि पायल घोष द्वारा अनुराग कश्यप पर इल्जाम लगाने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स रिएक्ट कर रहे हैं। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि पायल NCW को शिकायत भेजे। वहीं एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी रिएक्ट कर अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग की है। लोग भी अब दो धड़ों में बढ़ चुके हैं। कुछ लोग अनुराग कश्यप के पक्ष में आए हैं जबकि कुछ लोग पायल घोष के पक्ष में है। आप क्या मानते हैं? आप किसे सही मानते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।